नमस्कार, मैं जेपी यादव फ्रॉम भारत हाउस 3 BHK का फ्लैट लाया हूँ उत्तम नगर वेस्ट के पास, बिल्कुल ही नज़दीक है, मेट्रो के नियर बाई में है। मेन रोड से हार्डली 200-250 मीटर की दूरी पे पड़ेगा। ये 105 गज का फ्लैट है, लिफ्ट है, कार पार्किंग के साथ में है और ड्यूएल यूनिट का फ्लैट है, तो इसमें आपको LIC भी होम लोन कर देगी, अदर MDFCs तो करेंगे ही करेंगी। बहुत ही खूबसूरत फ्लैट है, चलिए मैं आपको फ्लैट दिखाता हूँ। खूबसूरत 3 BHK, बहुत ही खूबसूरत 3 BHK दिखा रहा हूँ आपको आज। पहले हम बाहर का दिखा देते हैं। ये हमारा स्टेयरकेस हो गया, पीछे में हमारा 2 BHK है इस बिल्डिंग में, और ये हमारा लिफ्ट का है, लिफ्ट भी ऑपरेशनल हो चुका है। खूबसूरत 3 BHK है, देखिएगा तो मज़ा आएगा आपको। आप फ्लैट में जैसे ही इंटर करते हैं आपको एक बड़ा हॉल मिलता है, सबसे बड़ी चीज़ है, सब बड़ा हॉल मिलता है। सामने में किचन मिलेगा जो हम दिखाएंगे अभी आपको, और बहुत ही वेल डिज़ाइंड है, वेल डिज़ाइंड फ्लैट दिखेगा आपको इसमें। जब हम इंटर करते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये पूरे के पूरे वॉल पे, ये जो वॉल है, स्पेस पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, आराम से 8 to 10 seater सोफ़ा आपका लगता है प्रॉपर तरीके से, बीच में आपका टेबल भी आ जाएगा। और वहीं अगर दीवारों की बात करेंगे तो इस दीवार पे, ऑलमोस्ट पूरी दीवार पे ही आपको बहुत ही खूबसूरत और बड़ा टीवी पैनल मिल रहा है, जिसमें कि लाइट वर्क भी है, स्पेस भी आपको दिया हुआ है, स्टोरेज भी दिया हुआ है, और आपका टीवी भी लग जाएगा, जिसमें स्टोरेज ऐसा है जिसमें कि आप कुछ फैंसी आइटम्स रख सकते हैं। वहीं ये सामने वाली दीवार पर पूरी की पूरी पैनलिंग की हुई है, थोड़ा सा एल भी लिया गया है इसमें, और वुडन स्टाइल का लग रहा है, लेकिन ये वुडन है नहीं, आपको ये बिल्कुल ही परमानेंट काम है, ठीक है, कभी भी इसमें दीमक वगैरह लगने वाली कहानी नहीं होगी। बहुत ही खूबसूरत पैनलिंग का काम किया हुआ है, विथ ग्लास है, विथ लाइट वर्क है, देखने में इतना अच्छा लग रहा है, तो आप देखेंगे वीडियो में, अगर आपको देखने में अच्छा लग रहा होगा तो देख रियल में देखिएगा तो और अच्छा लगेगा। और वहीं इस दीवार पर आपको वॉलपेपर लगा मिल रहा है जो कि कस्टमाइज है, अगर आप इसमें ऊपर वाला फ्लैट अगर आप लेंगे, और अगर आपको अपने चॉइस का भी करना है, वी आर ओपन फॉर दैट, हम आपके चॉइस का भी कर देंगे। इसी दीवार पे हमने यहाँ पे आपको स्प्लिट एसी की फिटिंग करके दी हुई है। तो ये हमारा ओवरऑल 105 गज में बड़ा हॉल, हॉल मतलब बड़ा हॉल, एकदम प्रॉपर बड़ा हॉल है, ठीक है, और साथ ही साथ बड़ा फ्लैट है, आराम से यहाँ पर आपका ये डाइनिंग का स्पेस आपका निकल के आ जा रहा है, तो यहाँ पे आपका डाइनिंग टेबल भी आराम से यहाँ पे लग सकता है, आपकी इच्छा है, आप अपने तरीके से कर सकते हैं, कुछ लोग यहाँ भी कर सकते हैं, जगह है, ठीक है, मूविंग एरिया फिर भी मिलेगा। तो ड्राइंग और डाइनिंग दोनों का स्पेस आपको इस फ्लैट में खुल के आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और खुल के भी आ भी रहा है। अब हम आते हैं इसकी फॉल सीलिंग पे, एक बार फॉल सीलिंग दिखाइए। फॉल सीलिंग में जैसे ही आप देखेंगे तो आपको सबसे पहला चीज़ अट्रैक्ट क्या करेगा, सामने में दो पंखे लगे मिल रहे हैं और एक बहुत ही खूबसूरत झूमर लगा हुआ मिल रहा है, लेकिन मेरे नज़र में इसका सबसे खूबसूरती है इसकी फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग बिल्कुल यूनिक फॉल सीलिंग है, लाइट के साथ में है और बहुत ही यूनिक लग रहा है ये। एक बार फॉल सीलिंग भैया आप तरीके से दिखाना आप।
ये रहा हमारा ओवरऑल लिविंग एरिया। अब मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको एक बार नक्शा समझा देना चाहता हूं। जैसे ही आप इंटर करेंगे आपको लिविंग एरिया सामने दिखेगा लेफ्ट साइड में, वहीं राइट साइड में एक बेडरूम है। इस बेडरूम में वेंटिलेशन के लिए शाफ्ट दिया हुआ है, उसके साथ में ही आपको कॉमन टॉयलेट मिल जाता है। दो बेडरूम और किचन, ये आपको बालकनी की तरफ आता है। कहने का मतलब है 30 के मत्थे का ये फ्लैट है, तो बड़ा ही एकदम स्क्वायर मत्थे का है, बड़ा अच्छा लगेगा देखने में आपको, स्क्वायर फ्लैट है ये, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं किचन दिखाता हूँ फिर मैं रूम की तरफ आता हूँ। आप किचन देखिए कितना खूबसूरत किचन है। एक तो सबसे पहली चीज़ 3 साइड ओपन है, तो एक साथ 3 बंदे काम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, ये बिल्कुल ही नेचुरल लाइट में है, आपका बिल्कुल नेचुरल लाइट में है, बाहर में आपका बालकनी की तरफ फुल्ली वेंटिलेटेड है। ऑल्दो हम यहाँ पे आपको चिमनी लगा के देंगे, बावजूद इसके आपको नेचुरल लाइट है, इन द सेंस ड्यूरिंग द डे आपको लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये पार्टिकुलर स्पेस जो है ये हमने दिया हुआ है फ्रिज के लिए, बड़ा से बड़ा फ्रिज भी अगर आपके पास है प्रॉपर उसके लिए इनफ स्पेस है। किचन में जो स्लैब डला हुआ है वो वाइट कलर का है, वाइट मार्बल आपको मिल रहा है। टाइलें भी जो है हर तरफ जो लगी हुई है, जहां जहां तक हर तरफ आपको वाइट का ही थीम दिया गया है, लुक बहुत शानदार लग रहा है उसके वजह से। यहां पे हमारा वॉशिंग एरिया आएगा, और ये हमारा यहां पे एक बार दिखाना भैया, यहां पे आपका आराम से आरओ लग जाएगा, फिटिंग ऑलरेडी इसमें करी हुई है। मॉड्यूलर किचन है, बहुत ही खूबसूरत किचन है, आप देखिए। बहुत ही खूबसूरत किचन है, क्योंकि बड़ा फ्लैट है हर चीज आपको इसमें बड़ा नजर आएगा। और साथ में इसमें हमें यहां पे मिल रहा है पेंट्री, एक बार पेंट्री दिखा दीजिए। मुझे इस फ्लैट का सबसे बड़ा खूबसूरती इसका किचन ही दिख रहा है, कितना खूबसूरत किचन है। बंद करना ये हमारा किचन है। अगर इसकी लाइट की बात अगर करेंगे तो जो फॉल सीलिंग वाला जो है वही उसी को यहां तक कवर कर दिया गया है, तो उससे लुक बहुत खूबसूरत हो गया है। साथ में यहाँ पे एक हैंगिंग लाइट आपको लगा मिल रहा है जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये रहा हमारा ओवरऑल किचन। अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं पहला बेडरूम। ये हमारा पहला बेडरूम है। आप बेडरूम का साइज देखिए बॉस, 14x12 का बेडरूम है, वो भी तब जब ये अलमीरा हटा, अलमीरा के साथ इधर का स्पेस, बहुत ही बड़ा बेडरूम है। और रही बात अलमीरा का, आप देखिए इसको, दिखाओ भैया, कितना स्पेस मिल रहा है आपको। तो इस पूरी दीवार पे ही आपको अलमीरा दिया गया है, साथ ही साथ हमने यहां पे ग्लास लगा दिया है। और ये बेसिकली स्टडी टेबल के तरीके से आप यूज कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज कर सकते हैं।
यहाँ पे साथ में दो पावर का पॉइंट भी दिया हुआ है, तो ये उनके लिए बहुत कामयाब है अगर जो कोई वर्क फ्रॉम होम पे वर्क फ्रॉम होम वाले हैं, या फिर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है। स्प्लिट एसी की फिटिंग इसमें ऑलरेडी दी हुई है, मैंने वीडियो में पहले ही बोला था आपको कि इस कमरे में साफ्ट है, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी आपको साफ्ट यहाँ पे हमने आपको दिखा रहा हूँ। इस वॉल पे हमने वॉलपेपर लगाया है, बहुत ही डिसेंट वॉलपेपर है, देखने में अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ दोनों तरफ हमने यहाँ पे फैंसी लाइट्स लगा रखी है, लुक ओवरऑल बहुत शानदार लगेगा। बेडरूम में बेड आराम से ऐसे लग जाएगा, फिर भी आपके पास उधर भी जगह बचता है, इधर भी जगह बचता है। अगर आपके पास कुछ और भी सामान रखने के लिए है तो इस रूम में इनफ स्पेस है, आपको आप यहाँ पे रख सकते हैं। इस वॉल पे पूरा का पूरा ऑफ वाइट हमने किया हुआ है, ऑफ वाइट का कहने का मतलब ये है वेरी मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये एक बार फॉल सीलिंग दिखा दीजिए, फॉल सीलिंग भी बहुत अच्छा लग रहा है। पंखे वगैरह हम बता ही रहे थे, पंखे वगैरह झूमर वगैरह सब तो हम आपको इस फ्लैट में लगा के दे ही रहे हैं। एक चीज बताना भूल गया था मैं, ऑल दो स्प्लिट एसी की फिटिंग हमने दी है, बावजूद इसके हमने यहाँ पे विंडो एसी की फिटिंग दे दी है। अगर किन्हीं को यहाँ पे विंडो एसी लगाना है वो विंडो एसी भी लगा सकते हैं, तो आपके पास दोनों ऑप्शन हो जाते हैं। अब चलते हैं हम अपने दूसरे बेडरूम में। ये हमारा दूसरा बेडरूम है जो कि मास्टर बेडरूम होने वाला है। इस रूम में इंटर करते ही आपको सबसे पहले खूबसूरत सा वॉलपेपर नजर आएगा, और बाकी सारी दीवारों पे आपको ऑफ व्हाइट कलर का हमने यहां पे पेंट करा हुआ है। सारे वॉशेबल पेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस बात को गौर करिएगा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पेंट होता है, वो रॉयल साइन का वो यूज किया हुआ है। टीवी पैनल आपको लगा मिल रहा है, बहुत ही खूबसूरत, ये भी अच्छा लग रहा है देखने में, विद स्टोरेज है। और चूंकि ये कमरा ये खिड़की जो है बालकनी की तरफ ओपन होगा, तो हमने यहाँ पे विंडो एसी के लिए फिटिंग वहां पे करके दी हुई है, आपका विंडो एसी यहाँ पे आराम से लगता है। सीलिंग में अगेन वही सीलिंग में उसी स्टाइल का सीलिंग है जो हमने आपको फॉल सीलिंग लिविंग एरिया में दिखाया था, बहुत ही यूनिक लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। अब ये चूंकि हमारा मास्टर बेडरूम है तो इसके साथ में अटैच टॉयलेट मैंडेटरी हो जाएगा। आप ये देखिए अटैच टॉयलेट, वॉल हैंगिंग सीट लगी मिल रही है, यहाँ पे आपका वॉश मशीन हो गया, डाइवर्टर की फिटिंग है, शावर यहाँ पे आ जाएगा आपका, और इस साइड में आपका एग्जॉस्ट लग जाएगा। बिल्कुल ही स्पेसियस है, छोटा नहीं है, बड़ा है, अच्छा लग रहा है। वॉल टू वॉल टाइल जैसे एज यूजुअल लगा मिलता है, गीजर की फिटिंग एज यूजुअल जैसे लगा मिलता है, वो सारे इस टॉयलेट में आपको मिलेगा। तो ये रहा हमारा दूसरा बेडरूम। मैंने कॉमन टॉयलेट नहीं दिखाया था जो कि इस फ्लैट में बहुत ही बड़ा है, आप देखिए कितना बड़ा कॉमन टॉयलेट है। आपको यहाँ वॉल हैंगिंग सीट मिल गई, बिल्कुल सेपरेट है। यहाँ पे आपको वैनिटी लगा हुआ मिल रहा है आपको, और ये स्पेस इतना खुला डुला स्पेस है नहाने का, इतना स्पेस शायद ही किसी फ्लैट में मिलेगा आपको। शावर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हमने यहाँ पे गीजर के लिए फिटिंग करी हुई है, इस साइड में आपका एग्जॉस्ट लग जाएगा, उसके लिए उधर खिड़की दिया हुआ है। तो ये बहुत ही बड़ा है, और जिनको भी बड़ा टॉयलेट चाहिए
बड़ा मस्त है उसके उनके लिए, देखेंगे मज़ा आ जाएगा उनको। तो वॉल टू वॉल जो टाइल भी लगी हुई है ना, वो बहुत ही खूबसूरत अच्छी ब्रांडेड कंपनी का है। एक बार थोड़ा सा इसको क्लोज दिखा देना आप, ताकि उनको अंदाजा हो जाए कोई कैसा है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे बेडरूम में। ये हमारा तीसरा बेडरूम है, जो कि इसी से बालकनी का एक्सेस भी है। आप जैसे ही इस बेडरूम में इंटर करेंगे, आपको सबसे पहले जो आंखों को लगेगा वो बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत वॉलपेपर। इसके साथ में आपको क्या नज़र आएगा, दोनों तरफ आपके जो हैं, जहाँ बेड लगना है बेड के साइड साइड में आपको ये खूबसूरत सा आपको ग्लास वर्क नज़र आएगा। फैशन में है, अच्छा लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। और क्या नज़र आएगा, इसी दीवार पे आपको एक अलमीरा नज़र आ रहा है, जो भी अलमीरा है सारा स्लाइडिंग वाला है, ठीक है। साथ ही साथ चूंकि ये बालकनी की तरफ आ रहा है, यहाँ पे विंडो एसी का आपका लग जाएगा, विंडो एसी की फिटिंग ऊपर में करी हुई मिल रही है। अभी ग्रिल लगना बाकी है, एक ही ग्रिल लगा हुआ है, ग्रिल लगना बाकी है, जो कि ग्रिल अभी लगेगा। ये तो दो दीवार, एक तरफ खिड़की हो गया, एक तरफ मैंने आपको क्या कहते हैं वॉलपेपर, और ये दिखाया क्या कहते हैं अलमीरा। वहीं तीसरी दीवार पे आपको टीवी पैनल लगा मिल रहा है। आप गौर करिएगा, ऐसा टीवी पैनल शायद ही आपने देखा होगा। ये प्रॉपर एक प्रकार से टीवी सेफ का ही दिया हुआ है इसमें। इसके साथ में पैनलिंग का काम किया हुआ है, और स्टोरेज ऑलरेडी है। और इधर आप कुछ फैंसी आइटम रख सकते हैं, जिसमें कि लाइट वर्क भी किया हुआ है, देखने में खूबसूरत लग रहा है ये, ठीक है। तो ये रहा हमारा तीसरा बेडरूम। वहीं इसके इस दीवार पे हमने पेंट करा हुआ है, जो कि ऑफ वाइट पेंट है। फॉल सीलिंग इसका भी आप दिखाइए, इसमें सारे फॉल सीलिंग थोड़े थोड़े यूनिक हैं, अलग अलग हैं। छोटी लाइट और बड़ी लाइट दोनों का इसमें कॉम्बिनेशन है। फैन लगा ऑलरेडी मिल रहा है आपको। आप बालकनी देखिए, कितना बड़ा बालकनी है इस फ्लैट में। बालकनी में ये डीप किया गया है, इसको यहाँ पे आपका बड़ा से बड़ा आपका आराम से यहाँ पे वॉशिंग मशीन आ जाएगा। उसके लिए पावर का पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, टैब यहाँ पे लग जाएगा। हर तरफ टाइल लगा मिल रहा है आपको, हर तरफ जहाँ जहाँ भी आपको दोबारा से काम नहीं कराना पड़ेगा। अब एक चीज़ इधर आइए भैया, एक चीज़ एक बार हाइट देखिएगा। ये बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा दिया हुआ है कि इतने हाइट पे, ताकि बच्चे थोड़ा सिक्योर रहें। और साथ ही साथ ये गली दिखाइए एक बार, वो गेट है भैया, और ये यहाँ तक ये कॉलोनी है। कुल मिला के ये मैंने अपने तरफ से जो कोशिश करी है कि आपको ये पूरा का पूरा फ्लैट प्रॉपर तरीके से दिखा सकूं। मैंने नक्शा भी दिखाने की कोशिश करी, मैंने एक एक बेडरूम में कितना स्पेस मिल रहा है, लिविंग एरिया में ड्राइंग डाइनिंग का स्पेस कैसा मिल रहा है, किचन में आपको किस टाइप का चीज़ है, थ्री साइड किचन है, ये सारी चीज़ें मैंने लगभग आपको अपने तरफ से मैंने दिखाने की कोशिश करी। बहुत ही बड़ा आपको इसमें क्या कहते हैं कॉमन टॉयलेट मिल रहा है, किचन थ्री साइड मिल रहा है। तो इस फ्लैट में बहुत सारे वाव फैक्टर हैं। इस फ्लैट को देखने आइए, इस पे आराम से LIC भी होम लोन देगी। रजिस्ट्री का है, फ्री होल्ड का है, हंसते हंसते इस पे 85-90% तक भी लोन दे देगा बैंक। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फ्लैट के लिए, सबसे बड़ा चीज़ होता है लोकेशन। और यहाँ पर आपको लोकेशन भी मिल रहा है,
एज वेल एज आपको फ्लैट का साइज भी मिल रहा है और साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत काम भी मिल रहा है। लिफ्ट, कार पार्किंग बता ही रखा हूँ आपको। तो कुल मिला के ये फ्लैट मैंने अपने तरफ से दिखाया आपको। होपफुली ये आपको फ्लैट पसंद आया होगा, ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। कुछ कमेंट भी करें, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो सारी चीज़ें भी आप करिए और यूं ही भारत होम्स को अपना प्यार देते रहिएगा। जय माता दी, धन्यवाद।